देश विदेश में मशहूर हेयर स्टाइलर जावेद हबीब ने की दरगाह जियारत, अकीदत के फूल पेश कर मांगी अमन चैन की दुआ। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मशहूर हेयर स्टाइलर जावेद हबीब ने फूल पेश की, उन्हें जियारत सैयद वसीम बारी चिश्ती ने कराई और तबरुक दिया। जियारत के बाद जन्नत दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सहित कई पुरस्कार प्राप्त कर देश विदेश में मशहूर हेयर स्टाइलर जावेद हबीब अकेडमी के चेयरमैन जावेद हबीब ने शुक्रवार को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। उन्होंने गरीब नवाज के मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए। जावेद हबीब की हेयर अकेडमी की पूरे देश में 400 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी है, जहाँ पर युवाओं को आधुनिक तकनीक से बालों की विभिन्न हेयर कटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जो भारत में फैशन जगत में सबसे ज्यादा चर्चित है। मैं अजमेर हमेशा आता हूँ, मेरे साल में दो चक्कर लग जाते हैं, अपने शॉप खोलने आता हूँ, पर मेरा मेन मकसद क्या होता है, दरगाह शरीफ में आना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि राजस्थान के अंदर हमारा इतना सारा नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर अजमेर में है, और उसका रीज़न मुझे क्या लगता है, बिकॉज ऑफ योर गरीब नवाज। तो अच्छा लगता है, फील होता है, और रेस्पेक्ट के लिए हमेशा आता हूँ, मतलब कुछ मांगने नहीं आता हूँ, रेस्पेक्ट के लिए आता हूँ कि यस हमें आना चाहिए, बिकॉज हमारे हमारे लिए सब कुछ वही है। आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ का हमेशा मेरा मैसेज बहुत सिंपल है भैया, हार्डवर्क काम करो, दिल लगा के काम करो, और अपनी सोसाइटी को आगे करो। अगर आपकी सोसाइटी ग्रो करेगी, आपकी कौन ग्रो करेगी, आपके लोग सब सलाम करने आएंगे। कितनी ब्रांच है आपकी पूरे भारत? हमारी टोटल अभी चल रही है 890 के करीब चल रही है, हम लोग 120 सिटीज़ के अंदर है, 24 स्टेट के अंदर है, और अजमेर भी हमारी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सालों हैं, 3 सालों हैं। तो मैं मानता हूँ ये सारा का सारा बिकॉज ऑफ गरीब गरीब। नाम बताइए। नाम जावेद अली द सीजर मैन।